मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाकर एक एग्जांपल सेट किया जाए। इट्स एन ओपन एंड शट केस। फंस गए अभी? सब समझ गए थे, इसीलिए वो आज के हियरिंग में आए नहीं। प्रज्ञा की गुहार। कर सकते सर, आप प्लीज मेरी बात मानिए, ये बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा नहीं कर सकते, लोग इज्जत करते हैं इनकी सर। जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में आ गया है महा ट्विस्ट, जहां कटघरे में खड़े हैं अभी और उन पर लगाए जा रहे हैं संगीन इल्जाम। इतना ही नहीं, वकील साहब तो अभी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मिलोर्ड अभिषेक मेहरा, ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, इनके पास पैसा है, पावर है, इन्हें लगता है ये कुछ भी कर सकते। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाकर एक एग्जांपल सेट किया जाए। इट्स एन ओपन एंड शट केस। डिफेंस लॉयर सब समझ गए थे, इसीलिए वो आज के हियरिंग में आए नहीं। मिलो, कौन लॉयर है जो हारा हुआ केस लड़के अपना नाम खराब करेगा? इन्हें पूछिए, इन्होंने शहर के हर एक लॉयर को अप्रोच किया, लेकिन सभी ने इनका केस लड़ने से मना कर दिया। सब लोग मेरे क्लाइंट के फेवर में थे, क्योंकि हर एक इंसान सच का साथ देना चाहता है। लॉर्ड, मेरे क्लाइंट के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता, उनकी खोई हुई इज्जत उन्हें वापस नहीं मिल सकती, लेकिन मैं कोर्ट से अपील करूंगा उन्हें न्याय दिया जाए। आईपीसी की धारा 376 के तहत मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। दैट्स ऑल। ऐसे में प्रज्ञा जज साहब से गुहार लगाती है और उनको ये बताती है कि अभी बेकसूर है और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बाकी सभी लोग झूठ कह रहे हैं। सर आप प्लीज मेरी बात मानिए, ये तनु झूठ बोल रही है, लॉयर भी झूठ बोल रहे हैं, कोई रेप हुआ ही नहीं है सर। सब झूठ बोल रहे हैं और आप सच बोल रही हैं? हाँ, सब झूठ बोल रहे हैं सर, इनके सारे सबूत झूठे हैं, मैं बोल रही हूँ ना सर, ये वन साइडेड केस बना रहे हैं इसको। और आप ऐसे में जज साहब प्रज्ञा से ये कहते हैं कि अगर वो अभी को बेगुनाह साबित करना चाहती हैं, तो सबसे पहले तो उनके लिए लड़ने के लिए वकील को यहाँ होना चाहिए, लेकिन अभी का केस लड़ने के लिए वहाँ कोई भी वकील मौजूद नहीं है। ऐसे में जज साहब प्रज्ञा से कहते हैं कि अगर 5 मिनट के अंदर वकील नहीं आया तो कार्यवाही अभी के खिलाफ चली जाएगी। मैं इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि आपके तरफ से केस डिफेंड करने के लिए कोई नहीं है, इनका केस झूठा है मगर ये साबित करने के लिए कोई नहीं है। अभी तक आपके लॉयर क्यों नहीं आए? 5 मिनट में अगर नहीं आए तो वी विल स्टार्ट द केस अगेंस्ट अभिषेक मेहरा। नो नो सर, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? सर आप प्लीज मेरी बात मानिए, ये बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा नहीं कर सकते, लोग इज्जत करते हैं इनकी सर। अदालत बातों से नहीं दलीलों से चलती है और आपके तरफ से दलील रखने वाला कोई भी नहीं है। आज आपके पास 5 मिनट है भाई, अब देखना होता है कि कौन वकील अभी का केस लड़ता है और क्या प्रज्ञा अभी को बेगुनाह साबित कर पाती है। Court will be in recess for 5 minutes. आज तक ब्यूरो।